तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। तो हॉनेस्टा का न्यू अपडेट आ गया था, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे। लेकिन उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम था वो कि राउंड इस स्टोरी कैसे ऐड करें, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है कि राउंड इस स्टोरी ऐड नहीं हो रही, कुछ ना कुछ ग्लिच आ रहा है। कुछ कुछ लोगों के अंदर राउंड इस स्टोरी ऐड हो रही है, लेकिन ऊपर से ऐड नहीं हो रही, जो कि ऊपर सिंपली जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में स्टोरी आती है वैसे ही दिखती है और नीचे से राउंड एज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे ग्लिच और प्रॉब्लम अभी भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आज एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको हॉनेस्टा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही हॉनेस्टा एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ऊपर सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, उस पे टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे ऊपर सिंपली आपको सर्च कर लेना है DEV, और यहाँ पे एक्टिव डेवलपर ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। आपके अंदर ऑफ रहेगा तो सिंपली उसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली एक बार हॉनेस्टा एप्लीकेशन को रीसेट कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ से रीसेट से हटा दे रहा हूँ और उसको वापस ओपन कर दे रहा हूँ। तो सिंपली जैसे ही वापस उसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे होम वाला आइकॉन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो गो टू डेवलपर ऑप्शन पेज है उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे मेटा कंफिग सेटिंग उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है स्टोरीज रीसेट। तो जैसे ही आप लोग स्टोरी रीसेट टाइप करोगे तो आपके अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिंपली आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑफ करोगे तो सिंपली ऊपर जो सर्च किया है उसको क्लियर करके यहाँ पे क्लिप्स वीडियो टाइप कर देना है। तो जैसे ही क्लिप्स वीडियो टाइप करोगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उन सबको इनेबल कर देना है। लेकिन गाइस, जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको इनेबल नहीं करना है, उसको डिसेबल ही रहने देना है। तो सिंपली गाइस, इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद यहाँ पे ये रील हम लोग अपनी स्टोरी पे ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि राउंड एज सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपली गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राउंड एज बहुत सही तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे गाइस, और बहुत ही कूल लग रहा है, जो कि बिल्कुल iOS की तरह यहाँ पे स्टोरी हमारे फ़ोन में ऐड हो गई है। और बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि उसके अंदर इमोजी कैसे वर्क करे। तो इमोजी उसके अंदर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी इमोजी यहाँ से सिलेक्ट करोगे। किसी किसी के फ़ोन में, कोई भी फ़ोन में यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा इमोजी। तो सिंपली सेकंड नंबर का फॉन्ट है उसके अंदर इमोजी वर्क करेंगे, तो एक बार ट्राई करना गाइस। सेकंड नंबर के फॉन्ट पे आप लोग इमोजी एक बार ट्राई करके चेक कर लेना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये ट्रिक आपके फ़ोन में भी वर्क करेगी। और अगर ये ट्रिक आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रही तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाई।